जय श्री राम किसान मित्रों, देपालपुर पशु मंडी जिला इंदौर मध्य प्रदेश से आप वीडियो देख रहे हैं डेयरी यात्रा नरेंद्र यूट्यूब चैनल के माध्यम से। तो दोस्तों, आप लोगों को प्रत्येक मंगलवार को हम देपालपुर पशु मंडी का अपडेट देते हैं। तो वीडियो अच्छी लगे दोस्तों तो ज़रूर ज़ोरदार लाइक करें, और चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब करें। आज 22 अगस्त 2023 से लाइव मंडी गाय की आप लोगों की मांग पर हम दिखा रहे हैं। तो पिछले 2-3 हफ्तों से हमने गाय की वीडियो नहीं बनाई थी, तो इसलिए आज आप लोगों की मांग पर गाय की वीडियो लेकर आए हैं हम। तो जय श्री राम। एक मिनट, तो देख लीजिए आप, और देश के कोने कोने से यहाँ किसान भाई व्यापारी भाई पहुँचते हैं, तो देख लेते हैं हम। जी भैया, कहाँ से आए आप? महाराष्ट्र से आए हो? महाराष्ट्र में कहाँ से? जलगांव, पाचोरा। जलगांव से आए हो? गाय खरीदोगे या भैंस? पहली बार आए हो? नहीं दोस्तों, पहली बार भी आए थे। अच्छा, इससे पहले भी आए थे। कितनी गाय ले गए थे? 6। अच्छी निकली गाय? अच्छी निकली। कितना दूध दे रही है? 8-7, 7-8, 7-8। अच्छा, जितना बताया इतना दे रही है? नहीं, उतना नहीं देते, जो बताते उतना नहीं देते। मतलब 10 बताया तो 8 तो दे रही है? 8 देते। ठीक ठीक। तो हाँ दोस्तों, एक बार और आपको बता दें हम कि देपालपुर पशु मंडी में 99% तो फ्रॉड नहीं होता है। अगर 10 लीटर बताया है तो आप मान के चले 8 लीटर दूध दे देगी। तो अधिक जानकारी के लिए आप अगर आना चाहते हैं देश के किसी भी कोने से, तो ट्रांसपोर्ट उपलब्ध है, और कांटेक्ट करें आप राहुल पटेल से 8319984072 पर कॉल करें। तो देखते हैं एक गाय जो मिल्किंग हो रही है, और देखते हैं उसको। तो ये क्या बेच दी अभी आपने? ये बेच गाय सेल हो गई है। तो कितने कितने दांत में, कितने दांत में हो? 8 दांत। 8 दांत मिल गए। दूध कितना लगा देगी अनुमान? 15 लीटर। दोनों टाइम का 15 लीटर? एक टाइम का 15 लीटर। अच्छा, कहाँ की है गाय? चांदेर। प्रॉपर गांव की है? गांव की है? गांव की नहीं है, सीकर से ही है। सीकर से? हाँ वही पूछ रहा हूँ। कितने में बेची है? 80,000। 80? किसको दी? ये भैया जो दूध निकाल रहे वो। जी बाबू जी, कहाँ से हो आप? तराना से हो जी? मच्छी तराना। हम मच्छी तराना। क्या नाम है आपका? बाबू गुजर। कितने में खरीदी गाय? गाय कितने में खरीदी? कितने ही बताई भैया? नहीं नहीं, वो कितने भी बताया आप बताओ। 80। अच्छा ठीक है, ठीक है। हाँ ठीक है। तो बढ़िया गाय मिलती है मंडी में। आप पहुँचे, प्रत्येक मंगलवार को मंडी लगती है, सुबह 6 बजे से स्टार्ट होती है, तो जो रात की शाम की 6-7 बजे तक मंडी चलती है। तो दोस्तों, ट्रांसपोर्ट उपलब्ध है, दिए गए नंबर पर कांटेक्ट करें। और थोड़े कुछ व्यापारी हैं जिनसे आप सतर्क भी रहें। देख लीजिए आप, मंडी में एक से बढ़कर एक गाय पहुंची है, और देखने लायक मंडी है। तो डेयरी यात्रा नरेंद्र यूट्यूब चैनल आप लोगों को रोजाना अलग अलग राज्यों से और मध्य प्रदेश के अलग अलग मंडियों से अपडेट देता है, तो ज़रूर आप चैनल को सब्सक्राइब करें। अब हम पहुँचे हैं सीताराम जी यादव, देख लीजिए। जी भैया, कहाँ से आए हो? फतेहाबाद। क्या नाम लिखते हैं? रईस पठान। रईस पठान, आप गाय खरीदने? जी सर। हमारी वीडियो देखते हैं आप? देखते हैं। जी भैया, तो दोस्तों एक बार फिर बताऊं, मुझसे जुड़ने के लिए आप रात को 9 बजे बाद 9 से 10 के बीच में 10:15 तक कॉल करें 9174878422 पर। और सीताराम जी यादव जो यहाँ के एक अच्छे नामी फेमस और लंबे टाइम से व्यापार कर रहे हैं, उनकी गाय देखते हैं हम। और जब भी हम मंडी में गाय की वीडियो बनाते हैं तो इनकी ज़रूर बनाते हैं। देख लीजिए आप, जयराम जी, काका जी, कितनी गाय है आज अपना पास? गाय है 14। गाय 14 गाय। कहाँ की है सब? सब राजस्थान की है। सभी राजस्थान की। एरिया? एरिया सीकर। सीकर एरिया की गाय देख रहे हैं आप। तो अपने पास शुरुआत कीमत कितनी है कम से कम में? कम से कम आप मान लो 1,10,000 ऊपर में, और नीचे में? नीचे मान लो 60,000। 60,000। तो एक गाय जो खोल के दिखा रहे हैं, तो देख लीजिए आप,
पहले आप गाय देख लें, हाइट तो बहुत बड़ी है दोस्तों, और कितने दांत में काका जी? दांत में छः है। और दूध कितना दे रही है अभी? दूध अभी 10 लीटर टाइम का है। एक टाइम का 10 लीटर, तो दोस्तों देख लीजिए एक टाइम का 10 लीटर दूध दे रही है, और देख लीजिए धनों की बनावट, दुजात बच्ची है। क्या मांग कर रहे हैं इसके? इसके 1,10,000। 1,10,000 मांगने के। तो दोस्तों 1,10,000 मांग कर रहे हैं, 10-12 गाय है, जो 60,000 स्टार्टिंग बताई है तो हम मान के चले 50,000, और एंडिंग कीमत जो 1,10,000 बताई है वो 90 के आसपास आपको मिल सकती है। एक और बड़ी गाय जो वास्तव में हाइट बहुत ऊपर जा रही है, 6 फीट के समथिंग जब सिर ऊंचा कर रहे हैं, बढ़िया गाय है। तो रोहित भाई साहब ये बताओ आप, ये कितने दांत में है? 6 दांत। दूसरे या तीसरे में? सेकंड में भी है, दूसरे में। रोको देख लो दोस्तों, हाइट तो भैया के जो सिर से ऊपर सिंग जा रहे हैं। और कौन सी नस्ल है ये? एचएफ में, प्योर एचएफ है, प्योर एचएफ बता रहे हैं। तो थोड़ा अडर क्वालिटी तो कम है, और अनुमानित दूध इसका? दूध देखिए भैया 25 से 26 किलो दूध देता है, दोनों टाइम का। एक बार और घुमाओ, 25 से 26 लीटर मतलब 12-13 लीटर दूध की समथिंग है। और थोड़ा गाय जिस हिसाब से उस हिसाब से अडर नहीं बना इसका, तो देखते हैं। काका जी इसकी कीमत क्या है? 1,20 है, 1,20 इसकी कीमत रख रहे हैं, देख लीजिए आप। अच्छी गाय है दोस्तों, आज में मंडी में इनके पास सबसे बड़ी गाय देख रहे हैं आप, तो देखते हैं हम। और काका जी एक छोटी गाय खोल के दिखा, छोटी आए कम कीमत में कम दूध में, क्योंकि यूट्यूब चैनल पर जो भी छोटे किसान बड़े किसान सभी लोग देखते हैं, तो उनका हर बार यही रहता है कि आप कम रेंज में, मीडियम रेंज में, कम दूध में गाय भैंस दिखाया करो। तो ये देख लीजिए आप, ये कितना दूध दे देगी अनुमान? 14 किलो दोनों टाइम, 7-7 किलो। और इसका क्या अपन एक अनुमान बजट देने का? इसके 55,000। तो दोस्तों सभी नस्ल की गाय और सभी रेंज की गाय मिल जाती है मंडी में। ये गाबन है, कितने दिन लेगी है? एक दो दिन जनने में लेगी, अच्छी गाय है ये भी। और ये किससे दांत में? क्यों दांत भर गई। और तो अनिल भी आप ये बताओ दूध की कैपेसिटी क्या रहेगी इसकी? दूध दिए इसके 22-24 लीटर, दोनों टाइम का 22-24 लीटर। और एक अनुमानित कीमत 80,000 रुपये दे देंगे। अच्छा देने की अनु 80,000। हाँ बढ़िया गाय है, दोनों कबरी गाय। दोस्तों देख लीजिए आप अडर क्वालिटी, और जो दूध की वैन और नसें हैं उभरी हुई है, ये देखिए आप पूछते हैं। तो अनिल भैया ये कितना दूध दे देगी ये काली वाली है? ये हाँ ये 14 लीटर 14। और देने की कीमत फाइनल इसकी? देने की 50,000 मात्र 50,000। तो दोस्तों
बहुत बढ़िया मंडी भरती है, प्रत्येक मंगलवार को आइए आप। तो जहाँ स्टार्टिंग रेंज आपको पता है कि हम 40,000 के समथिंग से गाय 35,000 से भी मिल सकती है, जो ऊपर में 1,00,000-1,25,000 तक जाती है। और जयराम जी की साहब गिर में, अच्छा अच्छा, ये गिर क्रॉस देख रहे हैं आप, देख लीजिए दोस्तों। तो कितना दूध दे देगी? 17 किलो तैयार है। 17 दोनों टाइम का? और गाय कहाँ की अपनी? गाय चांदे की, सिकर। सिकर की है। क्या कीमत लगा रहे इसकी? इसका 75 लगा। 75 नीचे बच्ची 15 दिन की हो गई ये। 75,000 मांग रखी है राजेश भैया ने। तो दोस्तों करीब इनके पास भी 8-9 गाय खड़ी है। और इस साइड चलते हैं हम, जो जी यही से राम देख लीजिए आप, एक से बढ़कर एक सभी नस्ल की गाय होती है। तो भैया खुलवाओ ना, गाय खुलवाते हम पीछे से जाके। देख लीजिए दोस्तों, हम राधेश्याम जी बाबूजी, जो राधेश्याम जी यादव इंदौर से रहने वाले, उनकी गाय देख रहे हैं। तो बहुत ही गाभन है क्या? जनी हुई 25 लीटर हाजिर है दोनों टाइम का। अच्छा भैया आगे लाओ, लाओ आगे लाओ। देख लो दोस्तों क्या शानदार अडर, और दोनों टाइम का 25 लीटर बता रहे हैं। कौन से में ब्याई भाऊ जी? ये तीसरे में। तीसरे में क्या कीमत लगा रहे? 85,000 मांगने के। हाँ। और एक छोड़ने का अनुमान? छोड़ने के 80,000 रुपये। 80,000 इनके पास से कम नहीं। कितनी गाय है आज अपने पास? 12 गाय। कहाँ की है? सब हरियाणा राजस्थान। हरियाणा राजस्थान से बात। तो दोस्तों अतुल भैया जो यादव और राधेश्याम जी यादव, इनकी गाय देख रहे थे हम। और ये गाभन है, ये गाभन गाय है इस साइड। हाँ प्योर एच है ये वाली जर्सी। अच्छा अच्छा, बहुत शानदार अडर देख लीजिए आप। गाबन है, कितने दिन लगेगा इसमें? दो एक दिन की देर। ये कितने दांत में? छह दांत में है दोस्तों। और दूध कितना बता रहे हो? दोनों टाइम का। और कीमत क्या कर रहे हैं? 80,000। 80,000 बढ़िया गाय है। तो सभी तरह की गाय उपलब्ध है मंडी में, आप देख लीजिए। और सुबह का समय हो रहा है, करीब 8:30 बज रहे हैं। मंडी में मान के चले आप कि जो रस देखने को मिलेगा वो 10 बजे तक मिलेगा, क्योंकि अभी व्यापारियों की गाय भी आ रही है, किसानों की भी गाय आ रही है। और तो दोस्तों ये मंडी आपको फिर से बता दूँ, मध्य प्रदेश राज्य के इंदौर जिले में प्रत्येक मंगलवार को लगती है। उनकी चार रात है मंडी के अंदर। एक और गाय देख लीजिए आप, जय श्याराम। कितना दूध देगी? दूध देगी एक टाइम का 16 किलो दोनों टाइम। कीमत क्या कर रहे हैं? कीमत क्या कर रहे हैं? कीमत ज्यादा नहीं, 65,000 रुपए। 65,000 65,000 मांगे। और बढ़िया मंडी, एक बार नजर। और दोस्तों जो टेंट से बाहर आप देख रहे हो, उस तरफ किसानों की गाय मिलती है, तो ढूंढने पर वहाँ भी हमें अच्छी गाय मिल जाती है। और देख लीजिए आप, जिस साइड पहुँचेंगे आपको गाय दिखेगी। मुकेश भैया जय राम जी की, कितनी गाय लाया? लाई थी 11 यार, बिकी वाल सब बिकी घर से? नहीं बच्चे नहीं वाल अभी बिकी है, घर से बिकी 5-6 गाय। तो मुकेश भैया एक यहाँ के स्थाई मंडी के व्यापारी हैं, जो यहीं रहते हैं। और ये गाबन है क्या? ये जान गई कल जानी खाली करी है। कितना दूध दे देगी मुकेश भैया? ये देगी 12 लीटर। क्या मांग रख रहे?
इसके मांग रहे 80,000। 80,000, ये क्या लंपी की शिकायत हो रही क्या? नहीं नहीं, उधर भी एक दो गाय देखी थी मैंने, उधर ये तो गाड़ी थी इसमें। अच्छा, तो मुकेश भैया का घर मंडी के पास में ही है, अगर किसी को गाय खरीदना है दूसरे दिन भी तो आप मंडी में पहुँचे, शनिवार को आ जाती है। कहाँ से आती है? राजस्थान से। राजस्थान से तो आप शनिवार दूध निकाल सकते हैं, शनिवार को आके? बिल्कुल निकाल सकते हैं, शनिवार रविवार सोमवार। अच्छा, तो दो तीन दिन दूध निकाल के ले जाओ, दो दिन दूध, तीन दिन दूध निकालो आप और आप खरीद के ले जाओ यहाँ से। बढ़िया मंडी है, देख लीजिए आप। डेयरी यात्रा नरेंद्र यूट्यूब चैनल के माध्यम से आप लोगों को ये सेवा देते हैं। और एक बार फिर कमेंट करता हूँ दोस्तों को कि ज़्यादा से ज़्यादा आपकी राय कमेंट करें, कुछ कमी हो तो आप ज़रूर बताएं, या कुछ अच्छा नॉलेज हो वो भी आप शेयर करें। कुछ किसानों की गाय भी हम वीडियो के माध्यम से आप लोगों को, कहाँ है तो जय गौ माता जय गोपाल, एक देसी गाय लाए हैं, जरूर कमेंट करें। भैया कहाँ से आए हो? ये कानवन से आए। अच्छा, कितना दूध देगी अपनी गाय? 1 किलो दूध है इसके नीचे, दोनों टाइम का। अच्छा, देसी गाय है, प्योर। हाँ, क्या मांग रहे? 35,000 रूपए। ज्यादा मांग रहे यार, कर लेंगे ना। और तीन तीन लीटर दूध दे रही, 35,000 ज्यादा मांगे। नीचे क्या है? कितने दिन की है ये? ताजी जनी अभी 3 दिन। ये सफेद वाली? हाँ, ये सफेद वाली 3 दिन की जनी हुई है। हाँ भैया, और मोल भाव कर लेंगे। ठीक है, के लिए दूध चढ़ाने लगे। हाँ बाबू जी, कहाँ से आए हो आप? बदनावर से। क्या नाम है? मुर्गालाल पाटीदार। पाटीदार जी, जी भैया वीडियो देखते हैं आप। एक बार फिर हम किसान की मंडी में पहुंचते हैं। एक गिर गाय सामने है, उस साइड बाखड़ी भैंस का बाजार है। तो दोस्तों आज हो सकती है भैंस की वीडियो लेट आएगी, और नहीं भी आ सकती है क्योंकि गाय की बहुत कमेंट थी। तो आप लोगों के कहने पर भी हम वीडियो बनाते हैं, जिस तरह आप कमेंट करते हो उसी तरह की वीडियो आती है। तो पिछले 3 हफ्तों से गाय की वीडियो नहीं आई थी हमारे चैनल पर, तो आज स्पेशल गाय की वीडियो लेकर आए हैं। तो ज़ोरदार लाइक करें, और एक शानदार देसी गाय गाड़ी में आई है बाहर से, देख लीजिए आप। और कोई सी मंडी देखना है दोस्तों तो जरूर आप कमेंट करें, और अगर आप उस लोकल एरिया से हैं तो बताइए कि कहाँ लगती है मंडी और किस दिन भरती है, पूरे एड्रेस के साथ। हाँ भैया, और देखते हैं एक और गाय जो शायद लाई सौदा चल रहा है। किसका सौदा हो रहा है? गाय का हो रहा है। 35,000 रुपए लगा दिए हमने। आपने लगा दिए? 38,000 से मुंह नहीं कर। दूध कितना देती है? 7 किलो टाइम, एक टाइम का। भैया घुमाओ उधर, उधर घुमाओ। गाय तो छोटी है यार। अरे गाय छोटी है लेकिन सोना छोटा ही रहता है। अच्छा अच्छा, कितने लगा दिए आपने? मैंने 35 kg, 38 से कम नहीं कर। ये वायरल हो जाएगा, लाइक चल रहा है। आप कहाँ ले जाओगे? मैं ले जाऊँगा इसको वरना सा बेचने के लिए। हाँ, घर दूध खाने, दूध खाने। क्या नाम है आपका? जितेंद्र शर्मा। तो दोस्तों थोड़ा सपोर्ट करें आप, सपोर्ट में हमें कुछ नहीं, एक लाइक वीडियो पे और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें आप। मंडी में बहुत भीड़ है, धीरे धीरे हम आगे बढ़ते जा रहे हैं और देखते हैं
किसकी गाय है भैया? आपकी है। कितना दूध दे रही भैया? तीन दिन की जो ही हुई। अरे तो दूध कितना दे? दूध 5-5 किलो दे रही है। और दे कितना देगी अनुमान? 10 किलो दूध दे देगी एक टाइम का। क्या मांग रहे हैं? कीमत 90,000 रुपये। 90 मांगने के? ठीक है भैया। ली क्या है? क्या अच्छा लेगी गाय? अच्छा बेचने आए? कौन आया? आप आए? किसान की है? किसान किसान की। क्या मांग रहे हैं इसके? इसके 56,000। और दूध? दूध है 7-7। एक टाइम का? एक टाइम का 56 मांग रहे हो? कितने दिन की बच्ची है नीचे? बच्चा बच्चा है ना? 15 दिन का केड़ा है। अच्छा अच्छा देखते हैं भैया। हटो तो भाई साहब, थोड़ा हटो हटो भैया, देख लीजिए आप। वास्तव में अदर क्वालिटी है गाय में, लेकिन गाय दुबली पतली हल्की है, तो 45,000 के समथिंग मिल सकती है मंडी से। और इस साइड पहुंचे हम, मोनू भैया जो सामने है। जय श्री महाकाल। देख ले, एक गाय खोल के दिखा रहे हैं। जय श्री आराम भैया। भैया गाय पहले बता कौन सा है? देखिए डब वाली की, ठीक है। दूसरा है दूध कितना लगा देगी? दूध अभी 8 लीटर, एक टाइम का 8 लीटर। और दांत में 4 है। कीमत क्या लगा रहे इसकी? इसके 90 मांग रहे हैं। मांगने की ज़्यादा लगा रहे यार, नयापन है ना सब। अच्छा। कुछ दूध ही में थोड़ी है ऐसा। चार दांत केड़ी इतनी बड़ी कहाँ मिल रही है आपको? अच्छा अच्छा। उसके जात जवानी के कितनी गाय है टोटल? टोटल 8 है। 8 गाय है, टोटल 8 गाय बता रहे हैं। तो मोनू भैया बढ़िया गाय लाते हैं, एक अच्छे व्यापारी हैं जो विश्वास पात्र हैं हमारे, हमारी बात हर बार रखते हैं। इसके पास कितना दूध बता रहे हैं? इसके दूध पे ही लग रहा है। कितना? 8-9 लीटर। और इसकी मांग? इसकी मांग 80,000। 80,000 है, 80,000 मांगे। और इस साइड चलते हम, तो थोड़ा आगे से देख लेते हम मोनू भैया की गाय। अच्छी गाय है, सब डब्बू वाली की बता रहे हैं। और कुछ लोकल एरिया की भी गाय होती है इनके पास। अच्छा, ये कितने दांत में होगी मनु भी आएगा अनुमान? ये जो खोल रहे हैं मिली हुई है। दूध कितना दे देगी अनुमान? अभी लग रही है 8 लीटर टाइम का। अच्छा, 8 रोज की जनी है। हाँ, शाम को 7, सुबह 8 लीटर दूध लग रही है। क्या मांग रख रहा है? 75,000। तो मोनू भैया व्यापारी तो ठीक है, जो बात करते हैं तो हम एक अनुमान, एक सही कीमत बताओ आप, अगर कोई आपकी जो देने की। हाँ वही बोल, 65,000 उसको फाइनल है। 65,000 देने वाली। तो ठीक है भैया, 8 लीटर दूध है दोनों टाइम का। भैया दूध में अनुमानित 8 या फिर कब? शाम को 7, सुबह 8। अच्छा, 15 लीटर दूध है। 65,000 में फाइनल दे दोगे आप? तो अच्छी जानकारी दी है। सपूती की अपनी गारंटी है। अच्छा अच्छा, गाय घर कहाँ उठा ले तो घर से वापस ले लेंगे। हाँ, सपूती की और थन की गारंटी ले सकते हैं, बाकी दूध थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है। किसान ले जाता क्या खिलाता अपन वहाँ क्या खा रही है। ठीक है भैया। तो दोस्तों, और आप लोगों को बता दें, हरियाणा पंजाब से भी गाय पहुँचती है। तो किनकी गाय है, किसकी है? सुमित ठाकुर। सुनील ठाकुर कहाँ से हैं? उज्जैन से। उज्जैन से। सभी गाय कहाँ की है? ये डब्बा वाली की गाय है, दावन उज्जैन की है। डब्बा वाली की है। अच्छा, और इसमें अपने पास शुरुआती कीमत क्या है? कम से कम स्टार्टिंग रेंज क्या है? 70 से लेके तो 1,00,000 तक की है। 1,00,000 तक। 70 से कम की अपने पास? 70 से कम की नहीं, अपने पास ये पंजाब का माल है, अपने हरियाणा का। पंजाब का है, हरियाणा का माल है। तो इसमें सबसे ज्यादा दूध देने वाली गाय कौन सी? आपके सबसे दूध देने वाली गाय ये वाली। हाँ,
कितना दे देगी अनुमान? ये 30 किलो दूध की गाय है। 15-15 दोस्तों 15-15 लीटर दूध बता रहे हैं, देख लीजिए आप एक बार। 15 किलो की बफोलो है ये, 15 किलो दूध तैयार है इसका। पंजाब का माल है। कितने दिन की ब्याई है? ये 2 दिन की ब्याई है। 2 दिन? ये 2 दिन। ये काला वाला? हाँ ये काला। इसको कितने में दे दोगे अनुमान? इसको 85,000 रुपए की छोड़ देंगे। 85? ठीक ठीक। तो दोस्तों इस साइड पूरा बाखड़ी भैंस बाजार है, और बाखड़ी भैंस की वीडियो आज मुझे नहीं लगता कि कवर हो पाएगी, क्योंकि बाखड़ी भैंस का अगर ज़्यादा कमेंट रहेगा आप लोगों का तो हम आप लोगों को अगली बार फर्स्ट में लेकर आएंगे। और देख लीजिए पशु पंजीयन केंद्र देख रहे हैं आप, नगर परिषद देपालपुर, और नगर परिषद देपालपुर बाहर से आए हुए सभी व्यापारी किसान भाइयों का हार्दिक स्वागत, और नरेंद्र प्रजापत यूट्यूब चैनल भी आप लोगों का स्वागत करता है। कहाँ की है गाय? ये हरियाणा की है जी। ज्यादा दूध देने में कौन सी है? कितना कितना दूध देती तीनों? 7-7 लीटर दूध एक टाइम का। 7-7 लीटर कीमत क्या कर रहे हैं इसकी? 70,000 तीनों की, मतलब 70,000 रुपए, 75,000। अच्छा आप कहाँ से हैं? इंदौर। इंदौर से हो? क्या क्या नाम है? किशन यादव। ठीक है भैया। तो दोस्तों ठीक है, डेयरी यात्रा नरेंद्र यूट्यूब चैनल आप लोगों को इसी तरह से सेवा देता है। तो एक छोटी सी मांग है, आप चैनल को सब्सक्राइब करें, और देखते हैं भैया क्या बोल रहे हैं। हरिओम। हाँ भैया क्या हुआ? है गाय की? खोलो इसको, खोलो जा, खोलो जा। सिंह बाद में बना लेना। अच्छा बेचनी है कि लेनी है? है बेचना है। कितना दूध दे रही? एक टाइम का। कितने में देना? कहाँ से हो? पलवाड़ा से। पलवाड़ा से एक टाइम का 7 लीटर दूध देती है ये। देख लो दोस्तों, वीडियो ज़्यादा लंबी ना करते हुए हम समाप्त करने पे आए हैं, क्योंकि एक जाफराबादी भैंस की गाड़ी पहुंच रही है, वहाँ जा रहे हैं हम, और कुछ कस्टमर भी हैं जिनको भैंस दिलाना जाफराबादी, जो गुजरात से आ रही है। आप लोगों को ऐसी सेवा देंगे हम, बने रहिए। और अधिक जानकारी के लिए आप हमसे रात को 9 बजे बाद जुड़े। जय श्री राम। 9174878422 मेरा कॉन्टेक्ट नंबर है। और जी भैया कहाँ से आए हो? रूनीजा से आए हो? ठीक है। गाय लेने, गाय खरीदने पहुँचे हैं। तो सभी दोस्तों को पूरी पूरी वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय जवान, जय किसान।